नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में इस वक्त यूं तो सियासत की जंग जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगार भी लगता है सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। दरअसल इस वक्त बेरोजगारों की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से बड़े पैमाने पर धरना जारी है। अध्यक्ष उपेंद्र यादव आमरण अनशन पर है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो इसके गंभीर नतीजे सरकार को भुगतने होंगे। वहीं आलाकमान से भी गहलोत सरकार की शिकायत की जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं हाल ही में हुई उपेंद्र यादव से बातचीत के वंश, जिन्हें सुनकर आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी, क्या अभी आप लोगों का जो धरना जारी है, आप लोगों की जो भूख हड़ताल है, आखिर क्या मांग है, किस वजह से आप लोग बैठे हैं? देखो, जो एक तो जो सबसे बड़ा बवंडर बचा हुआ है रीट एसआई भर्ती को लेकर जो पेपर लीक हुआ, इसमें हम चाहते सीबीआई की जांच हो। एसओजी पे पूरा विश्वास नहीं हमें, क्योंकि एसओजी ने पहले भी आज तक कोई खुलासा नहीं किया कि जेएन का जेएन डिग्री का लाइव जेएन का पेपर आउट हुआ था। आज तक ये पता नहीं चल पाया पेपर कहां से लीक हुआ, कौन सरगना था। वहीं जगदीश उसने को आज तक पकड़ने में नाकाम रही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा एक और जो है, 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था राज्य सरकार से, कि समझौते में लिखित में मंत्री रात को 12:30 बजे आकर लिखित में समझौता किया था, और समझौते में उन्होंने जो लिखित में दिया था वो मांगे आज भी अधूरी है। तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, जिसमें प्रमुख तौर पे रीट शिक्षक भर्ती 2018 जो मामला रहा, हालांकि न्यायालय में, लेकिन पिछले 100 दिन से बीकानेर में धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एडवोकेट नहीं जा रहा और 100 दिन हो गए शिक्षा मंत्री जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उन भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हो और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिले। वहीं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 15-34 पदों पर अधूरी है। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का मामला अधूरा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। वही पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 जिसके संबंध में सरकार ने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है वो अधूरी है। फार्मासिस्ट भर्ती की 5 बार परीक्षा तिथि स्थगित हो गई है, वो भर्ती अधूरी है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री दावा करते हैं कि 19,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती के लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे, उनका दावा अभी तक सही साबित नहीं हुआ। वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती में सुजानगढ़ जब चुनाव थे तो मंत्री जी ने कहा था, युवाओं को कहा था कि आप बूथ मजबूत करो, वोटिंग करो और मेरा कॉल आपके पास आएगा, मेरी घंटी बजेगी। तो प्रदेश की बेरोजगार इंतजार करे शिक्षा मंत्री जी की घंटी कब बजेगी। रात को 12 बजे फोन हो जगता है तो वो देखते हैं शिक्षा मंत्री जी का फोन होगा, तो वो घंटी बजने रही, उस घंटी का इंतजार कर रहे हैं। यानी आप भाई, आप उपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने आप लोगों से जो वायदे किए थे डोटासरा जी ने, वो कहीं भी कोई कामयाब नहीं हो पा रहे या उन पर कोई अमल नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी का आप ट्वीट देख लीजिए, 28 जून का एक ट्वीट आया था कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस विज्ञप्ति अगले वीक में जारी हो जाएगा। अब 1.25 महीना बीत चुका, अभी तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का न सिलेबस जारी हुआ न विज्ञप्ति जारी हुई है। वही पंचायत राज जैन भर्ती 13 साल से आज तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई, बजट में 2100 पदों पर घोषणा की गई थी। वही चिकित्सा विभाग में चाहे वो रेडियोग्राफ हो, दंत चिकित्सक हो, लैब टेक्नीशियन हो, नर्सिंग कर्मी हो, नेत्र सहायक हो, वार्ड बॉय हो, पशुधन सहायक हो, जलदारी हो, टीआरओ एपीआरओ सोशल सहायक जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मोटर वाहन उपनिरीक्षक, ये नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 यही शिक्षा मंत्री जी के विभाग का मामला आ गया, वो भी अधूरी है। और वहीं बाहर राज्यों का कोटा समाप्त नहीं हो पा रहा, परिचालक भर्ती 2010-11 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त करने की मांग करे थी, जो घूसकांड प्रकरण सामने आया था, आरपीएससी के अभी सदस्य भी निलंबित नहीं आने, उनका ओपन हो पाएगा कौन इसमें लिप्त है। वहीं निमराण में जो मुकदमे दर्ज किए 6 बेरोजगारों को मुकदमे वापस होने की मांग करे। यहाँ पर क्या आपकी मांग है कि जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी क्या ये दोबारा करवाई जाए? नहीं, मेरी मांग यह है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, तय तक जाया जाए इसमें कौन कौन लिप्त है, कौन कौन राजनेता लिप्त है, कहां का पेपर गया है, और वो सरगनाओं को जेल में डाला जाए और गैर जमानती सख्त कानून बनाया जाए, 10-20 साल सजा मिले अपराधी को। लेकिन एसओजी लगभग अभी 20 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है इस मामले में। एसओजी पर संदेह बना हुआ है, कैसे बना हुआ संदेह मैं आपको बता दूं। पूर्व में लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में जो हुई थी उसकी वो एग्जाम रद्द हुई, जेएन भर्ती हुई, जेल प्रेरित 2016 हुई, राजस्थान पुलिस भर्ती हुई, आज तक ये पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहां से आउट हुआ। आज तक जो माफिया है जगदीश विश्नोई को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। आज तक जो लाइब्रेरियन की डिग्री के मैं फर्जी डिग्रियों के जो एविडेंस मैं खुद देकर आया था कि ये फर्जी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। तो संदेह के घेरे में एसओजी भी है, तो एसओजी पे राजस्थान के बेरोजगार का विश्वास उड़ता जा रहा है, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और यदि एसओजी सही ढंग से काम करती है तो परिणाम दिखाए, पकड़े उन मोटे हाथियों को जिसके पीछे लिप्त है, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, पकड़े सही इसको जगदीश विश्नोई को, न्याय दे बेरोजगारों को, खुलासा करे कि जेल प्रेरी का जेएन का
और इनका पेपर कहां से लिखवा, कौन कौन है, तो विश्वास हो जाएगा। अब सवाल एसओजी की साख पर भी है। इसके अलावा जो लिखित में समझौता हुआ सरकार जी मंत्रियों ने रात को 12:30 बजे किया था, वो समझौते की मांगे पूरी हो, गैर जमानती से कानून बनने की अति आवश्यक है क्योंकि अपराधियों में डर नहीं, उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया है, इसलिए गैर जमानती से कानून बनाया गया। अगले कुछ दिनों में पटवार भर्ती परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तो क्या यहाँ भी कोई संदेह है आपको? देखो तभी तो मैं लगातार पिछले कई महीनों से मांग कर रहा हूँ। 23 फरवरी को जो लिखित में समझौता हुआ था उसमें बिंदु नंबर 17 पे स्पष्ट लिखा होता है पेपर लीक को लेकर सरकार कुछ कानून बनाएगी, मंत्रियों ने लिखित में दिया था, लेकिन वो अधूरा मामला रहा। यदि उस समय कानून बना देते तो शायद एसआई और रीट का मामला नहीं आता। अब पटवारी के अभ्यर्थियों, क्योंकि जो एक दिन पहले रीट का पेपर वायरल हो रहा है, बत्तीलाल और बजललाल ये लाल सारे स्वीकार रहे हैं, अब पता नहीं ये कब हलाल सरकार इनको करेगी, लेकिन जब तक इस बेरोजगारों में डर है तो गैर जमानती कानून सरकार क्यों नहीं बनाती? भाई जेल में डालो, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करो। जब तक डर नहीं होगा, ये लोगों ने उद्योग धंधा बना दिया है, तो आज आवश्यकता है जल्द से जल्द गैर जमानती कानून की, जिससे बेरोजगारों में विश्वास हो और ये अपराधी जेल के अंदर हो। आप पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी और उसके मुलाकात के बाद आरोप ये भी लगे थे कि आपका सरकार से गठबंधन हो गया है। देखो प्रदीप जी एक चीज बताऊं, कल से हमने, मैं अमरान अंचल पे बैठा हूं और कल से सबसे पहली घोषणा ये की थी कि मैं सरकार के किसी प्रतिनिधि से वार्ता के लिए नहीं जाऊंगा, सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आएगा। और रही बात मुख्यमंत्री जी से मिलाऊ, मंत्रियों से मिलाऊ, सारी चीजों से उनको बताया है, वो मांगे नहीं करते। मैंने तो पूरी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है, तो सरकार, कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं फिर उत्तर प्रदेश जाऊंगा। ये क्या है कि कुछ राजनेता है जो युवाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, भ्रमित करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, पॉपुलरिटी लेते, गायब हो जाते हैं। उन लोगों ने आपको कोई भरोसा नहीं दिलाया, आश्वासन दिया कुछ? न भरोसा मिला न परिणाम मिला, इसलिए मैं अमरन सिंह पे बैठा हूं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब पूरा करना चाह रहा हूं कि वो कुछ लोग हैं राजनीति करते, भ्रमित कर रहे थे, आज बेरोजगार संकट में कहां चले गए, दो दिन बैठ के क्यों चले गए? अब आइए, बेरोजगारों के साथ क्यों नहीं आ पा रहे? जब प्रदेश का बेरोजगार संकट में होता तो उपेन्द्र यादव उनके साथ हमेशा रहता। आज अमरन सिंह में मैं बैठा हूं, डॉक्टर ने मुझे अमरन सिंह के लिए मना किया था, फिर मैं प्रदेश में 9वीं बार अनशन पर बैठा हूं और लगातार इनकी आवाज उठा रहा हूं, और अमरन सिंह लगातार और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है। सरकार मांगे नहीं मानेगी तो गंभीर परिणाम पूरी कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा, खुली चेतावनी दे रहा हूं मैं। तो क्या गठबंधन होगा? हम जहां सरकार ने अच्छा काम किया मैंने धन्यवाद दिया, सरकार का आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए हमने आमरण और मापड़ाव शुरू कर दिया। बिल्कुल, आपको नतीजे चाहिए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी आप पर गंभीर आरोप लगाए थे। मैं किरोड़ी लाल जी सम्मानीय व्यक्ति है, परम आदरणीय व्यक्ति है, मैंने इनके जवाबों का, जो सवालों का जवाब दे दिया था। यदि उनके आरोप सही है तो मैं पूरा देश छोड़ने के लिए तैयार हूं, और उनका जूता और मेरा सिर तैयार है। लेकिन उन्होंने शाम को होते होते ये आपके चैनल पे ये कह दिया था वो मेरा बच्चा है, क्योंकि उनका बयान बदल के आ गया था, आप समझ लीजिए कि, या वो, मैंने ये भी कहा था कि वो सांसद से वो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जगह सही था, इसलिए मैंने तुरंत लाइव आके तुरंत मीडिया में बयान देकर मेरे सच्चाई सामने रखा। लेकिन यही चीज जुड़ती है शिक्षा मंत्री जी के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं सीधा यार बयान दिया कि मैं देश छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो मंत्री जी आप सीबीआई को जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पारदर्शिता, आप तो भी सवाल नहीं उठेंगे, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, आपको भी लगेगा हाँ शिक्षा मंत्री जी सही है, तो शिक्षा मंत्री को इसका सीबीआई जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा किरोड़ी लाल जी से हमारा विवाद उसी दिन खत्म हो गया था, सुबह कुछ अपवादों के चक्कर में आकर सांसद मोदी ने बयान दिया था, लेकिन शाम को आपके चैनल के माध्यम से बयान दे दिया था वो मेरा बच्चा मेरे साथ है, ऐसे में विवाद वहीं खत्म हो गया था। किरोड़ी लाल जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी करता हूं, हमेशा करता रहूं, वो संघर्षशील व्यक्तित्व है, संघर्षशील व्यक्ति है, कई लोगों ने उनको गुमराह किया था, इस वजह से वो नाराज हो गए थे, क्योंकि मैं धरना स्थल पर नहीं पहुंचा था। धरना स्थल पर मैं क्यों नहीं पहुंचा, आपने देखा होगा मेरे काफी बेरोजगार साथी उनके साथ भी बैठे थे, लेकिन मंत्री जी का बयान क्या है डोटासरा जी का कि वो भाजपा का आंदोलन है, मैं वहां आंदोलन में जाता तो मेरे ऊपर आरोप लगता कि मैं किरोड़ी जी का आदमी हूं या बीजेपी का आदमी हूं, और मेरा आइए बेरोजगारों का आंदोलन खत्म हो जाता, इसलिए मैं नहीं गया था। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले उपेंद्र यादव इस समय सीधे सीधे राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्या बिल्कुल सही है, खुला मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे यदि मांगे नहीं माने। और अभी आपका आमरण अनशन जारी है? बिल्कुल जारी है। तो ये कब तक का क्या प्लान किया हुआ है आपने? देखो अभी प्लानिंग तो बहुत है, मांगे नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश में हमारी टीम जाएगी, वल्लभ बल्लभनगर और धरियाबाद में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। तो हमने से आपको ये हेल्प चाह रहे हैं? नहीं, यूपी गवर्नमेंट से नहीं है, जहां प्रियंका गांधी जी जाएंगे तो वहां हमारी टीम जाएगी। पहले भी गए थे, वापस जाएंगे, क्योंकि हमने आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है,
अलग अलग रणनीति हमने तैयार की है, क्योंकि इस बार हमें आश्वासन परिणाम से अगर गहलोत सरकार नहीं मानी या अशोक गहलोत नहीं माने तो आप आलाकमान से भी इस चीज की शिकायत करेंगे। देखो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी थी, जिस प्रकार पेपर लीक हुए, जिस प्रकार जो हमारा समझौता हुआ मंत्रियों लिखित में समझौता किया, और सुभाष घर से जब मैं मिला खुद जाकर व्यक्तिगत तो वो तो मुकर गए अपनी वादे से, बोले मैं तो सदस्यता में क्या कर सकता हूं। तो ऐसे में बेरोजगार में आक्रोश है और इसी मांगों के लिए पूरी करवाने के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे, किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए उपेन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब इससे सियासत कहें या वाकई राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खुली लड़ाई, लेकिन इन हालातों को देख अब ये कहा यही जा सकता है कि ये वक्त प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफी चुनौती भरा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो सूबे की सरकार के लिए भी एक तरह से खुली चुनौती है। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे की तस्वीर कैसी होती है और सरकार बेरोजगारों को फिर कौन सा तोहफा देती है। नमस्कार।